हेलो एंड वेलकम टू और यूट्यूब चैनल गाइस हमने टॉप 500 हंड्रेड की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर अवर पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी आपका जो अकाउंट्स असिस्टेंट असिस्टेंट कंपटाइटिस्ट स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट रिजर्वेटीज़ हुए हैं एज वेल एज़ फॉर ऑल जेके एस एस एग्ज़ाम्स तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने नाइन लेक्चर्स जो हैं अपलोड किए हुए हैं उन सभी लेक्चर्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी तो आज के लेक्चर में हम ओ ट्वेंटी इंपॉर्टेंट एम डिस्कस करेंगे तो 240 हंड्रेड जो हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हम आज 240 से लेकर 260 तक 20 एम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के जरिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे इस सेशन में वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आउट ऑफ ट्वेंटी जो है आपका कितना स्कोर रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए तो स्टार्ट करते हैं सो so स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर टू फोर्टी वन इज़ विच डिवाइस टिपिकली अटैचेबल टू कंप्यूटर की बोर्ड दैट अलाउज़ ब्लाइंड पीपल टू रीड ऑप्शन ए इज़ लाइट पेन ऑप्शन बी जॉयस्टिक ऑप्शन सी इज़ टच स्क्रीन ऑप्शन डी इज ब्रेली डिस्प्ले तो हमें बताना है कि कौन सा टिपिकल अटैचेबल डिवाइस जो है वो किसके साथ अटैच होता है की बोर्ड के साथ दैट अलाउज़ जो लोग देख नहीं सकते ठीक है तो ये उनके लिए होता है हमें बताना है कि कौन सा डिवाइस अटैच होता है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट इज द रियली डिस्प्ले तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द इमेज ऑफ द रियली डिस्प्ले दैट इज अटैच टू द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर जिससे जो है ब्लाइंड पीपल जो है uh, जो रिजल्ट होता है उसको विजुलाइज करते हैं सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ डिवाइस

इट इजोंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए निबल इज इक् वर्ल्ड ऑप्शन ए इज फोर बिट ऑप्शन बी इज एट बिट ऑप्शन सी इज सिक्सटीन बिट ऑप्शन डी इज थर्टी टू बिट निबल जो होता है वो होता है फोर बिट्स का ठीक है और एट बिट्स जो है एट बिट्स को कहते हैं बाइट ठीक है वन बाइट सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जम्प डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा डैश इज़ एबिलिटी और डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जम्प डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा ऑप्शन ई इज सिक्वेंशियल एक्सेस ऑप्शन बी इज रैंडम एक्सेस ऑप्शन सी इज क्विक एक्सेस ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो तो इस क्वेश्चन का आप हमें करेक्ट आंसर बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज अ रैंडम एक्सेस विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है तो जो रैंडमली एक्सेस होता है वही होता है जो डायरेक्टली मतलब जंप करता है लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेसड इन बिटवीन रैम एंड सी पी यू इन बिटवीन रैम एंड सी पी यू ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नेटिक डिस्क ऑप्शन बी इज मैग्नेटिक ड्रम ऑप्शन सी इज वर्चुअल मेमोरी ऑप्शन डी इज कैश मेमोरी तो इट इज द कैश मेमोरी दैट इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी एंड इट इज़ प्लेसड बिटवीन रैम एंड सी पी यू ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निक ऑफ प्लेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन अ रोम सेमी कंडक्टर चिप इज कॉल्ड ठीक है तो हमें बताना है कि कौन सी टेक्निक जो है दैट इज जिसमें प्लेसिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन रोम सेम कंडक्टर चिप होता है ऑप्शन नंबर इज प्रोम ऑप्शन बी इज ई प्रोम ऑप्शन सी इज फर्म वेयर ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द फर्म वेयर तो फर्म वेयर जो है इट इज टेक्निक्लेसिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन रोम ठीक है ऑप्शन नंबर सी इट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए रोम स्टैंड फॉर आपने प्रोम ई प्रोम के बारे में सुना होगा इट इज ईयर रोम ई ए आर ओ एम रोम तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिकली अल्टर्ड रीड ऑनली मेमोरी ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रिकली एक्सेप्टेड रीड ऑनली मेमोरी ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकलीटरेबल रीड ऑनली मेमोरी ऑप्शन डी इज़ इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकलीबल रीड ऑनली मेमोरी तो ईयर रोम का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ इलेक्ट्रिकली अल्टर्ड रीड ऑनली मेमोरी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा इट इस मोट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंगज ट्रांसलेटर्स कैन भी डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर कैटेगरीज दे आर तो लैंगवेज ट्रांसलेटर्स जो हैं दे कैन भी डिवाइड इंटू थ्री मेजर कैटेगरीज तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी है ऑप्शन ए इज़ कंपायलर ऑपरेटिंग सिस्टम असम्बलर ऑप्शन बी इज़ कंपायलर डिवाइस ड्राइवर असम्बलर ऑप्शन सी इज़ कंपायलर इंटरप्रेटर सिस्टम यूटिलिटी ऑप्शन डी इज़ कंपायलर इंटरप्रेटर एंड असम्बलर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर दीज आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स इट इज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच रेफर्स टू एनी प्रोग्राम दैट इज नॉट कॉपीड हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जो रेफ़र करता है दैट एनी प्रोग्राम दैट इज़ नॉट कॉपी ऑप्शन ए इज़ फॉम सॉरी फ्री वेयर ऑप्शन बी इज शेयरवेयर ऑप्शन सी इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी इज़ पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर तो विच रेफर्स एनी प्रोग्राम दैट इज़ नॉट कॉपीराइटेड जो है उसको पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा दट मूव मू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच कम्स विद द परमिशन फॉर पीपल टू रिडिट्रीब्यूट कॉपीज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ठीक है तो सॉफ्टवेयर व्हिच कम्स विद द परमिशन फॉर पीपल टू रिडिट्रीब्यूट कॉपीज फॉर अ लिमिटेड पीरियड तो उस सॉफ्टवेयर टाइप को क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर इज फ्रीवेयर ऑप्शन बी शेयरवेयर ऑप्शन सी इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को जो है उसको शेयरवेयर कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज सॉफ्टवेयर इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर को जो है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं ऑप्शन ई इज़ कमर्शियल सॉफ्टवेयर प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी इज फॉर्मवेयर तो जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है उसको प्रोपरेटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा इट ए स्मो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूला इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन अ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर एंड अ यूजर ठीक है तो ओला जो है एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर एंड अ यूजर हमें बताना है कि ओला का फुल फॉर्म क्या है ऑप्शन नंबर ए इज एग्जिट यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट ऑप्शन बी इज एग्जिट यूटिलिटी लाइसेंस एग्रीमेंट ऑप्शन डी इज एंड यूटिलिटी लाइसेंस एग्रीमेंट ऑप्शन डी जो है दैट इज एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द शॉर्टकट फॉर सेव एज ऑप्शन इन एम एस वो टू जीरो कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है किसके लिए सेव एज के लिए एम एस वो टू जीरो वन नाइन में ऑप्शन इज एफ थ्री ऑप्शन बीज एफ अलेवन ऑप्शन सी इज एफ फोर ऑप्शन डी इज एफ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज एफ डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सिलेक्टेड बाय द यूजर इन एम एस वो अगर आपको टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लाना होगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ठीक है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है तो अगर आप यहाँ से लिख रहे हो ठीक है तो सिलेक्ट करके जो है वो सेंटर से आएगा यहाँ से तो उसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ होता है हमें बताना है कि कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस ई कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होता है दैट इज़ कंट्रोल प्लस ई ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट फंक्शन डिस्प्लेज रो डेटा इन ए कॉलम और अ कॉलम डेटा इन ए रो ठीक है तो ये एम एस एक्सएल में एक फंक्शन है तो उसमें क्या होता है अगर आपका रो है वो कन्वर्ट होता है कॉलम में कॉलम का डेटा आपको रो में मिलेगा ऑप्शन नंबर ए इज ट्रांसपोज ऑप्शन बी इज़ इंडेक्स ऑप्शन सी इज़ कंप्लीमेंट ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द एबो तो अगर आपको डेटा uh, जो है चेंज करना हो फ्रॉम रो डेटा टू कॉलम डेटा या कॉलम टू रो उसके लिए ट्रांसपोज यूज़ होता है ऑप्शन नंबर उसको ट्रांसपोज कहते हैं कन्वर्टिंग रो इन कॉलम एंड कॉलम इंटू रो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा लेट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज लॉन्च बाय गूगल फॉर चैटिंग इनमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है गूगल की है किसके लिए चैटिंग के लिए ऑप्शन ए स्पाइक ऑप्शन बी इज ईमो ऑप्शन सी इज आलू ऑप्शन डी इज हाइक तो गूगल की तरफ से जो एप्लीकेशन है दैट इज ओलो ठीक है ए एल एल ओ ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा तो ये गूगल की एप्लीकेशन है जो चैटिंग के लिए यूज होती है लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस चार्ट इन एमएस एक्सएल शोज द रिलेशनशिप ऑफ पॉर्ट्स टू होल ठीक है ऑप्शन नंबर इज लाइन चार्ट ऑप्शन बी इज पाई चार्ट ऑप्शन सी स्टैक बार ऑप्शन डी इज ग्राफ तो एम एस एक्सएल में डिफरेंट ग्राफ्स हम यूज़ करते हैं हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है पार्ट्स टू होल ठीक है तो अगर हम होल लेंगे तो उसके पार्ट्स बनाएंगे उसके लिए एक ग्राफ यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज पाई चार्ट ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट प्रोवाइडस हाउ मनी ले आउटस फॉर यूज विद ब्लैंक प्रजेंटेशन तो पावर पॉइंट के डिफरेंट जब आप पावर पॉइंट में काम करते हैं तो डिफरेंट लेउट्स आपको वहाँ पर दिखते हैं विद डिफरेंट डिज़ाइन ठीक है तो so, हमें बताना है कि यूजअली पावर पॉइंट जो है आपको कितने ले आउटस प्रोवाइड करता है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्वेंटी ऑप्शन बी इज़ फिफ्टीन ऑप्शन सी इज़ ट्वेंटी फोर ऑप्शन डी इज़ ट्वेंटी सिक्स तो देर आर अराउंड ट्वेंटी फोर ले आउटस इन पावर पॉइंट प्रजेंटेशन जो आपको अवेलेबल होते हैं एम एस पावर पॉइंट में ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज रोहन इज रीडिंग सॉफ्ट कॉपी ऑफ ए लेटर रोहन जो है वो एक सॉफ्ट कॉपी रीड कर रहा है एक लेटर की विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज ही यूजिंग हमें बताना है कि वो कंप्यूटर का कौन सा पार्ट यूज कर रहा है ऑप्शन ए सी पी यू ऑप्शन बी इज मॉनिटर ऑप्शन सी इज कीबोर्ड ऑप्शन डी इज प्रिंटर तो सॉफ्ट कॉपी जो है आपको अवेलेबल होती है किसपे मॉनिटर पे ठीक है तो हार्ड कॉपी जो है आपको प्रिंटर के थ्रू अवेलेबल होती है तो इट इज ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन तो सॉफ्ट कॉपी जो है आप रीड कर सकते हो कहां से Monitor से लेट्स मूव मोथ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिसन ए मेथड ऑफ एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कार्ड हमें बताना है कि एक मैथड है जिसमें हम इन्श्योर करते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए इज एस एस एल ऑप्शन बी इज़ फायर वॉल ऑप्शन सी इज़ ऑथेंटिकेशन ऑप्शन डी इज़ डिजिटल सिग्नेचर ठीक है SSL, firewall, तो एक डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ यूज़ किया जाता है इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ द डिजिटल सिग्नेचर ठीक है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा तो दीज वर द ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जितने भी एक्सपायरेंट्स हमारे साथ जुड़े इस सेशन में वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आउट ऑफ ट्वेंटी जो है आपका कितना स्कोर रहा है और अगर आपको इन सभी एम का लेक्चर का पी चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको ये अवेलेबल तो आपको वहाँ पर मिलेगा तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे आपको जितने भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे आते हैं उन सभी लेक्चर्स का पी जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टूडेज़ लेक्चर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय बाय